लाइव। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है? इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ। बहुत सारे बच्चों को वेट था कि हम आप मैसेज करते रहते हैं ना कि स्टार्टिंग से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, फर्स्ट क्लास से पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है। और ऑब्वियसली शुरू से पढ़ना चाहिए भाई, आप बीच में से कहीं से भी तो नहीं पढ़ सकते हैं। आप जब भी किसी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो डे वन से शुरू करते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि डे 12, बहुत सारे जैसे मेरी पिछली क्लासेज होती रहती हैं तो आप लोग कहते रहते हो मैम शुरू से शुरू करिए, तो भाई हर दिन तो शुरू से शुरू नहीं किया जा सकता। पर हाँ, जब भी न्यू बैच आता है मैं उस दिन तो शुरू से शुरू करती हूँ, है ना। कैसे हैं सभी? अच्छा, पहले मुझे बताइए सब बढ़िया? साउंड ओके है क्या? एक बार चेक करिएगा, आप लोग बता दीजिए, इतने हम चेक कर रहे हैं। थम्स अप भेज दो अगर साउंड ओके है तो। मधुबाला जी, अरविंद, खुशी, निधि, हिमांशु, प्रियंका, ईशा, अमान, प्रीति, आंचल, स्वीट स्वीट या स्वीटी, नंद किशोर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दिनेश जी, गुड इवनिंग मनीषा, श्रीराम, लक्ष्मण। श्रीराम और लक्ष्मण एक साथ? भरत, शत्रुघ्न कहाँ गए? उन्हें भी लेके आइए। सिर्फ श्री राम और लक्ष्मण जी हैं। हाँ जी, बढ़िया जी, ऑल ओके। मुझे लगता है साउंड ओके है, और क्योंकि सब लोगों के थम्स अप आ गए हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए जी, आज क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास का पहला रूल है, क्लास को स्टार्टिंग से लेकर, मीन्स अभी 9 बजे हैं, 9 बजे से लेके 10, 10:15 जितने बजे तक भी क्लास चलती है, ये कंप्लीट देखना है। और भाई लिख के ले लो, मैं लिख के दे सकती हूँ आज की क्लास के बाद, अगर आप, क्योंकि बेसिक क्लास है, फाउंडेशन क्लास है। हर क्लास में तो मैं लिख के नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अब मैं ये सोचूं कि आप क्या पता पहले कभी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, और मेरी कोई भी क्लास देख रहे हैं, तो श्योर नहीं है कि हाँ पूरा का पूरा आपको आ जाना है। नहीं, लेकिन आज जरूर आ जाना है। उसका कारण है क्योंकि आज पहली क्लास है। जब भी किसी भी सब्जेक्ट को आप एकदम बेसिक से लेकर स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली समझ में आनी है। और भाई दूसरी बात, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो हो सकता है आपको प्यार हो जाए पढ़ाई से, और सही टाइम पर सही चीज से या सही इंसान से प्यार हो जाना बड़ा अच्छा रहता है। तो इंसान को भी सही चूज करें जिसे प्यार करते हैं, और चीज को भी जिस चीज से आप प्यार कर रहे हैं, अगर वो आपकी पढ़ाई है तो सोच के देखिए कि अगर आपको अपनी पढ़ाई में मजा आने लगे, इंटरेस्ट आने लगे, मन करने लगे पढ़ने का, जो कि आपका करता नहीं। 99% स्टूडेंट तो बस इसलिए पढ़ते हैं, 99 क्या यार, मैं गलत बोल रही हूँ, 100% स्टूडेंट इसलिए पढ़ रहे हैं जॉब लग जाए, पेपर निकल जाए। भाई इसके अलावा एक सेकंड के लिए सोच के देखो, अगर मन में ऐसा आ जाए ना कि यार मजा आ रहा है, यार नई से कुछ सीख रहा हूँ, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया? इस क्लास के बाद आप ऐसा सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। इसलिए पूरी क्लास को पाठन से शुरुआत से शुरू से मतलब कि एकदम शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ठीक है। क्लास को शुरू करते हैं, और मुझे लगता है सब लोग आ गए होंगे या फिर आ जाएंगे धीरे धीरे। क्या कर सकते हैं भाई, वेट तो नहीं कर सकते हैं आपका। हाँ जी, आज 3 मई, जो बात 1 मई को शुरू होना था वो आज 3 मई को शुरू हो रहा है, और उसके लिए हम माफी परसों ही मांग चुके हैं, तो दोबारा चाहोगे नहीं? हाँ जी। अब दूसरी बात है इसका, 2 सेकंड लूंगी भाई, फिर पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, बस 2 मिनट और। कंप्लीट इंग्लिश के बैच में आपका जो सिलेबस रहता है, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन, अब मैं एक एक को तो डिस्क्राइब नहीं करूंगी क्योंकि इससे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यार इंडिया गया ना, तो अपने एग्जाम से ना इसको मैच करके देख लीजिएगा। ऐसा हो नहीं सकता इससे बाहर कुछ आता हो, तो इसलिए मैं फाउंडेशन बैच चलाती हूँ इंग्लिश का। कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, दिस इज प्रॉपरली फॉर ओनली SSC, CHSL या फिर CPO या फिर बैंकिंग या फिर कोई स्टेट एग्जाम, कभी नहीं लिखती। जब क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट तो है आपका, उसके साथ ये एक लैंग्वेज है, इसे समझने के लिए, इसको एनालिसिस के लिए आपको किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट इंग्लिश सीखना होता है, और इस लेवल से बाहर कुछ नहीं होता, ठीक है जी। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मुझे भी साथ में स्क्रीनशॉट में मत लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जिस प्रकार इंसान के अंदर, अच्छा जैसे इंसान है ना ऐसी इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर। अच्छा, जो भी आपके एग्जाम आते हैं आपसे एक सेंटेंस दे देता है, कभी उससे एरर पूछ लेता है, कभी उसमें इंप्रूवमेंट पूछ लेता है, कभी उसमें फिल इन द ब्लैंक पूछ लेता है,
कभी कुछ कभी कुछ, बस उसको यही काम रहता है। तो हम एक सेंटेंस की बात करें और ऐसे ही इंसान के शरीर की बात करें। अगर इंसान को पढ़ना है ना, बायोलॉजी पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, इंसान के हर एक ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसी तरह जब इंग्लिश की बात करते हैं तो हम पार्ट्स ऑफ बॉडी जैसे है हमारा, इसी तरह इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हमें इसके अंदर आंख नाक होंठ हाथ सारे सिस्टम पढ़ने होते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं इंग्लिश के सेंटेंस की तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ते हैं, और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम है अलग अलग हो सकता है ना, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं एक सेंटेंस के हिस्से। जैसे शरीर के हिस्से, इसी प्रकार ये है सेंटेंस के हिस्से, और इन सबको पढ़ने के बाद इंग्लिश आपकी मुट्ठी में। तो यही तो करना है, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करें। मैं ये सब हम बैच के दौरान यही तो पढ़ेंगे यार, और क्या पढ़ना है, एक दिन में तो नहीं पढ़ सकते हैं हम। बैच के दौरान इन सबको कंप्लीट हमें चैप्टर वाइज पढ़ना होगा, ठीक है जी। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमारी जो कहानी चलेगी भाई, सुनो एक मिनट, एक तो 5 मिनट पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर उनका हर एक पार्ट स्पीच का 2 आवर, और फिर इसके बाद लगभग अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग चैप्टर का लेंथ रहेगा, मे बी 4 to 5 आवर्स। 3 पैटर्न में हमें पढ़ना है, 5 मिनट में, फिर 2 घंटे में, 4-5 घंटे में। ये क्या है, इसका रीजन समझिए। सबसे पहले तो आपको बस पता होना चाहिए ये आंख है, ये नाक है, ये होठ है। उसके बाद पता होना चाहिए आंख देखती है, दूसरा काम, और तीसरा फिर उसके पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम्स, कैसे क्या लेंस, कौन सा लेंस है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये सब हम पढ़ते हैं। तो इसी पैटर्न में हम इंग्लिश को पढ़ते हैं भाई, है ना। सबसे पहले तो इस 5 मिनट जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आंख से देखते हैं, इसलिए आपको इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। पहली आपकी वर्ब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा छोटी बातें पता होंगी, मैं 5 मिनट ले लेती हूँ। आपकी वर्ब क्या होती है किसी भी सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा है ना, वैसे इसको तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा है नाउन, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। हाँ जी, किसी भी नाम को, मतलब कि जो आप हैं, आपका नाम, वो आप नाउन हो, मैं हूं नाउन हूं, ये मार्कर नाउन है, ये बोर्ड नाउन है, ये टेबल नाउन है, जो आपके आसपास चीजें जिनको भी आप नाम से पुकार सकते हैं वो नाउन है। और नाउन की जगह पर जैसे आपके लिए मैं ही यूज कर सकती हूँ, मेरे लिए शी यूज कर सकती हूँ, इसके लिए इट यूज कर सकती हूँ, ये प्रोनाउन है। अगर मैंने ये कहा कि आप बड़े ही अच्छे हैं, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत सुंदर हैं, तो ये जो इंटेलिजेंट है या सुंदर है, ये बहुत छोटा है, ये काला है, ये है विशेषता, इसे कहते हैं एडजेक्टिव। छोटी छोटी बात समझिए, जैसे ये समझना होता है कि आंख से देखते हैं, नाक से सांस लेते हैं, सूंघते हैं, मुंह से खाते हैं, इसी तरह थोड़ा थोड़ा समझिए कि वर्ब एक्शन को कहते हैं, नाउन किसी नाम को कहते हैं, नाउन की जगह पर यूज होने वाले को प्रोनाउन कहते हैं, इसकी विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। अब नई बात, एडवर्ब हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल लगता हो, तो मैं एडवर्ब क्या होता है, बेटा फाउंडेशन बैच है और क्लास पहली है, एकदम चीजें फिर से शुरुआत से शुरू कर रही हूं, और हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। जब भी आपका बैच आता है तभी आप क्लास 1 तभी आपकी शुरू होती है, और वो आपकी आज ही क्लास है, तो हमेशा ये चीज नहीं हो पाती। हो सकता है कुछ बच्चों को ये आता हो, फिर भी भाई मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी। देखिए एडवर्ब क्या होता है, जैसे मैंने कहा एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, इसी प्रकार जो एडवर्ब है वो भी भाई किसी की बताता है, मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, या फिर एडजेक्टिव को करता है, या खुद एडवर्ब को करता है। ये सब हम अभी तो हमारा डिस्कशन एकदम नॉर्मल है, अब चैप्टर वाइज चैप्टर हम बेसिक्स से लेके चलेंगे, तब आपको एडवर्ब का बेसिक्स भी पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रपोजिशन में आपसे पूछूं, लिंकिंग कनेक्शन के लिए, जैसे एट, ऑन, इन, ये सब क्या होती हैं, प्रपोजिशन होती है जो रिलेशन बनाने के काम आती हैं। कंजंक्शन क्या होता है, नाम ही कह रहा है, जंक्शन, जोड़ने के काम आता है। इंटरजेक्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हाँ एक्सप्रेसिव वर्ड, एक्सप्रेसिव वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि आप किस चीज को देख के ऐसे कहते हैं ओ, या फिर देखकर वाओ, ये जो आपके अंदर से जो एक्सप्रेशन वाले वर्ड निकलते हैं इन्हें कहते हैं इंटरजेक्शन। ये हुई वो 2 मिनट वाली बात कि आंख से देखते हैं, है ना, मुंह से बोलते हैं, खाते हैं, इस बात का तो ठीक है, हो सकता है आपको पहले से आइडिया हो। अब मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ, और आज का हमारा टॉपिक है वर्ब।
आपको पता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. जिस तरह इंसान के शरीर में दिल होता है, इसी तरह एक सेंटेंस का भी दिल होता है. और उसका नाम दिल नहीं होता, बस नाम नाम बदल दिया गया है. और वो नाम क्या है? हरियाणा से राम राम मैडम जी. विजेंद्र जी राम राम, आपने मजबूरी कर दिया, इतना मैसेज आप लिख चुके हैं, कृपया पढ़ लें. राम राम हो गई. स्पोकन का क्लास भी लेंगे भाई, क्या करें हम अकेले. क्लासेस बहुत सारी, आपकी क्लासेस, सारी क्लासेस देखने के बाद सच में सीख गए हो, पूरा सीख गए हो. हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है भोले महाराज जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें पढ़ना भी है. अब सबसे पहले हम लेते हैं वर्ब के बारे में. जिस तरह एक इंसान का दिल, इसी तरह एक सेंटेंस का भी दिल, और उस दिल का नाम बस बदल के क्या कर दिया गया? वर्ब कर दिया गया. मैं आज आपको वर्ब के बारे में ही सिखाना चाहती हूँ. देखिए, सिंपल सी बात है यार, जब आप इंग्लिश को पढ़ना शुरू करें, आज ही कर रहे हैं ना सब पढ़ना. अच्छा, कोई बच्चे ऐसे हैं जो एकदम आज से बेसिक से, मतलब हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो पहले से जानते हो. कितनी संख्या होगी जो आज से पढ़ाई, मींस ऐसा समझ के, अपने आप को ब्लैंक समझ के आज शुरू करें कि आज मैं शुरू करूंगा. एंड ये जो आपके लिए क्लास होने वाली है, डेफिनेटली विल बी अ बिल्डिंग ब्लॉक. कितने लोग हैं जो आज से शुरू करने वाले हैं? मैं भी थोड़ा समझू ना कि मैं मतलब थोड़ा सा लेवल अप कर दूं क्या, फिर YouTube की क्लास में तो कर सकती हूँ. पर हाँ, ध्यान रखिएगा भाई, एप्लीकेशन की क्लास में एकदम से लेवल अप नहीं कर पाएंगे. शुरू में हमें थोड़ा बेसिक्स चीजें सीखनी होगी. कुछ लोग तो हैं, पर कुछ ऐसे भी होंगे जो पहले से आते होंगे या पहले से उन्होंने क्लासेस वगैरह मेरी ले रखी हूँ. मैं भी ऐसे भी तो हो सकते हैं. पर भाई, चाहे आप पहला दिन हो आपका या मेरी क्लास में मेरे से ही पढ़े हुए 15 दिन, मेरी कोई क्लास ऐसी नहीं रहती जिसमें आप कुछ सीख के ना जाएं. तो आज भी आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं जी. अच्छा, जब भी वर्ब की बात करते हैं, छोड़ो तुम यार, एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना. ना तो मुझे बोर करने की आदत, ना मैं बोरिंग पर्सनैलिटी. तो जब भी हम वर्ब ऐसे पूछे ना तुमसे, वर्ब क्या होती है, एकदम से आपका शायद जवाब होगा कि क्रिया, मतलब करना है यार, जैसे काम वगैरह करना होता है, ये वर्ब होती है. एक एक नॉर्मल सा मुझे लगता है ये आंसर सबके माइंड में आने वाला है ना. मींस करना है ना, हिंदी कहते हैं ना क्रिया, करना. पर दूसरी बात यार, होना वर्ब नहीं होती, होना भी वर्ब होती है पता. और ये जो तीसरी चीज है ना, है, ये भी वर्ब होती है. थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा पर मैं अभी इसके एग्जांपल देती हूँ. करना मतलब क्रिया, भाई क्रिया से तो करना ही बनता है. फिर इस होना और है के बारे में क्या ख्याल है? इस होना और है को कैसे कहते हैं, इसे आप एग्जांपल से समझिएगा. क्रिया तो ठीक है, करना भी सही है, पर ये होना और है क्या है? देखिए एग्जांपल, मैंने कहा सीता गाना गाती है, ठीक है, सीता सिंग्स, गाना नहीं सिर्फ गाती है. तो यहां पर सीता इस काम को कर रही है, इसलिए मैंने इसे क्या कहा? एक्शन कहा, डूइंग कहा, इसे हमने करना कहा, ठीक है. नेक्स्ट में देखिएगा, मैंने कहा द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी टूटी हुई है. तो कुर्सी कोई खुद से ऐसा तो नहीं टूट रही है ना, ऐसा कुछ तो नहीं. तो कुर्सी मतलब टूटी हुई है. तो तुम्हें नहीं लगता कि ये उसकी अवस्था है, ये उसका होना है, ये हुआ नहीं क्या? किसी ने तो तोड़ी है चेयर, खुद नहीं टूटी चेयर, ऐसे नहीं होता, रखी रखी कोई चीज नहीं टूटती. तो चेयर खुद ने तो ये काम नहीं करा, पर किसी ने तो तोड़ी होगी. तो इसे हैपनिंग कहते हैं. जैसे कि बारिश का होना, ये भी तो अवस्था है, हैपनिंग है, सॉरी. आप ऐसा कभी, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भगवान जी हैं ऊपर, है ना, भगवान जी बारिश कर रहे हैं. आजकल काफी मैक्सिमम क्षेत्र में बारिश हो रही है. क्या आपके क्षेत्र में भी बारिश हो रही है? हो रही होगी. बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे मोहम्मद जी, मोहदन मैम. हो रही है ना? हाँ हो रही है. तो क्या भगवान जी कर रहे हैं ऊपर से? भगवान जी बैठे हैं. और पता कैसे कर रहे होंगे? ऐसे पानी से लिया और इले यूपी में फेंका थोड़ा सा पानी, फिर थोड़ा चलो उत्तराखंड में फेंक के आते हैं, थोड़ा हरियाणा में. तो भगवान जी ऐसे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, जहां उनका मन कर रहा है वही पानी फेंक रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई कर नहीं रहा उस काम को, वो हैपनिंग है. बारिश का होना हैपनिंग है.
तो इसलिए मैंने कहा होना भी तो क्रिया हुई यार, यहां पे भी तो कोई क्रिया है, तो इसलिए करना करना को क्रिया मत कहा करो। तीसरी चीज है बींग या फिर स्टेट, जिसे अवस्था कहते हैं। अच्छा मैंने कहा, आप सोचिए 2 सेकंड के लिए, द डॉग इज डेड, भैया डॉग डेड है, मर गया। कोई काम कर रहा है यहां पर, किसी ने किया नहीं, अब ये डॉग ही डेड है, तो ये तो उसकी स्टेट हो गई, ये तो अवस्था। इसे ही मैं है कह रही हूं, भैया डॉग डेड है, तुम अच्छे हो, तुम खराब हो, मैं बहुत अच्छी हूं, तो ये सब क्या है, हो ना आप। अच्छा मैं कहूं मैं एक टीचर हूं या फिर मैं बहुत अच्छी हूं, तो इसमें कोई काम कर रहा है, काम तो कोई कर ही नहीं रहा। फिर यहां पे भी वर्ब है, बिना वर्ब के तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता, वर्ब तो यहां पे भी है, तो इसलिए इसे कहते हैं अवस्था, मींस स्टेट। किसी का होना और है भी क्रिया होती है, जिस प्रकार करना हम बचपन से कहते आ रहे हैं कि क्रिया होती है, यहां पर भी क्रिया है, यहां पर भी क्रिया है, यहां पर भी क्रिया है। तो करने के साथ साथ होना और आपकी अवस्था, जो भी आप हैं, जैसे मैंने कहा यू आर अ स्टूडेंट, तो भैया यहां पे भी वर्ब है, काम कुछ नहीं हो रहा है यहां पर, लेकिन आप हो, तो इसे स्टेट के तरीके से मैं कह के इसे भी वर्ब कहूंगी। आगे समझिएगा, अब जब वर्ब चैप्टर की बात आती है भाई, ऑब्वियसली अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब भी आप देने जाते हैं तो डेफिनेटली ये सब पढ़ के जाना है, पता है आपको सब पढ़ना है, हेल्पिंग वर्ब ये क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन लिंकिंग एक्शन ट्रांजिटिव सब पढ़ना है, ये नॉन फाइनाइट इनफाइनाइट मतलब सब पढ़ना है यार, बड़ा मुश्किल है ना, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, वैसे मैं नॉर्मली इधर से शुरू करती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब, पर आप जादू देखिए हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं, बताओ कहां से शुरू करूं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करूं या ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से शुरू करूं, यार ये मैं चाहूंगी आप मुझे जरा बता दो, कितने लोग चाहते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना चाहते हैं या ट्रांजिटिव वर्ब से शुरू करना चाहते हैं, काफी उल्टा हो जाएगा मैम अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से पढ़ना शुरू करेंगे। भाई मुझे पता है कि तुम्हें इससे तो खौफ नहीं लगता कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हाँ हाँ ये तो हम समझते हैं, पर ये शब्द ही ऐसे हैं इनसे बड़ा खौफ आ सकता है माइंड में, और मेरे को ऐसा लगता है कि जिस चीज से आप डरते हैं ना, एक सोल्यूशन है कि कभी ना डरें, उसके सामने जाके खड़े हो जाइए। अगर कोई समस्या है और उसको चाहते हैं कि वो जिंदगी से चली जाए, तो उसका एक सिंपल सा रास्ता है, उस रास्ते का नाम है उस समस्या के सामने जाके खड़े हो जाइए, सामने फेस करिए उसे, फिर डर नहीं लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, तुम्हें तो डर इससे लगता है, तो हम ना यहीं से शुरू करते हैं, वैसे भी जहां से मुझे करना मैं वहीं से करूंगी पहले से अंडरस्टूड है, ट्रांसलेटिव से करें बेटा, हेल्पिंग वर्ब तो सब सिखा ही दूंगी, वो तो कुछ बात ही नहीं है, आज ना मैं तुम्हें ये सिखाती हूँ भाई। समझिए जब भी आप वर्ब चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो कुछ बेसिक फंडामेंटल पढ़ के शुरू करिएगा, ऐसे तुरंत ऐसे मत शुरू करिए कि ये ऐसी वर्ब है इसके साथ वी वन आता है, ये ऐसी वर्ब है इसके साथ एज नहीं आता है, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 रूल नंबर 3 लिखी है बाई एनजी आएगा, यार ये कोई तरीका नहीं है पढ़ने का। माना कि मैंने 400-500 रूल याद करने हैं, रट्टा मारने, यार रट्टा मारने के लिए तो 2 चीजें भी बहुत ज्यादा हो जाती है, और समझने के लिए समझ समझ के तो आप हजारों चीजें भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो पैटर्न है पढ़ाने का, मैं रट्टा नहीं मरवा सकती, आपको पहले समझना होगा। हाँ ये हो सकता है कि जब बात समझने की आए तो आपकी 15-20 क्लास बेसिक्स की एक्स्ट्रा हो सकती है, तो मुझे लगता है वो 20 क्लास लेना ज्यादा ठीक रहेगा, बढ़ाना ठीक रहेगा एज कंपेयर टू रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 मैं नहीं कर पाऊंगी। जिन लोगों को ऐसे पढ़ने की आदत है वो शासन को अभी भी छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, जब भी आप वर्ब चैप्टर की शुरुआत करें तो इन बेसिक टर्म्स को जरूर देखें, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सपोर्टिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट के भी टाइप होते हैं, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो आज की क्लास में सिखा दूंगी, आज की क्लास मीन्स आज हमारा Day 1, क्लास तो अभी मैंने शुरू भी नहीं करी, पढ़ाना तो अभी शुरू भी नहीं किया। देखिए Day 1 आज का हमारा टारगेट रहेगा, सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बीच का डिफरेंस, दूसरा हम सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस, तीसरा हम सीखेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस, चौथा हम सीखेंगे लिंकिंग वर्ब और
एक्शन वर्ब का डिफरेंस, ये सब सीखने के बाद आपका वर्ब को लेकर जो आपके विचार हैं, जो थिंकिंग है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, क्योंकि वर्ब वो बचेगी नहीं जो आपको अब तक आती थी। शुरू करें, ये आपका डे वन का सिलेबस, मतलब आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं, करें शुरू। रेडी? देखो अब रेडी होना, अब तक तो ऐसे ही चल रहा था भाई, फर्स्ट क्लास है तो इंट्रोडक्शन तो बनता है, तो इसलिए हमने 15-20 मिनट तो इंट्रोडक्शन था। तो आज क्लास को शुरू करें, बिल्कुल रेगुलर भी, रेगुलर वर्ब भी, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। करें शुरू? यस मैम। अब रेडी हो तो फिर थम्स अप भेजो, तभी शुरू करूंगी। आज हमारे डे वन का जो सिलेबस रहेगा, आज हमें इन चारों चीजों के बारे में बात करनी है, और टाइम रहा तो कंफ्यूजिंग वर्ब्स भी हमारा टॉपिक रहेगा। करें शुरू? चलो जी आप शुरू करते हैं। ओके, समझते हैं। सबसे पहले वर्ब को वैसे तो बहुत सारे तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है ना, ऐसे तो वर्ब का ही तरीका है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब का ही तरीका है, हम उसे एक्शन मेन लिंकिंग ऐसे नहीं, मैं ना छोटी छोटी टर्म सिखाती हूँ वर्ब को ना, ऐसे भी आप मेन वर्ब जो आपकी होती है, अभी आप सिर्फ मेन वर्ब ही समझिए, क्योंकि आपको अभी मेन वर्ब ही पता है, अभी इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे, पर जो आपकी मेन वर्ब है वो दो तरीके की हो सकती है बेटा, एकदम प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। मेन वर्ब जो आपकी हो सकती है वो ट्रांजिटिव हो सकती है और इंट्रांजिटिव हो सकती है। अब ये किस बला का नाम है, दो मिनट दीजिए मुझे, जिंदगी में नहीं भूलोगे, आपका टेस्ट भी लूंगी कि आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आ गई है क्या। अब तक चाहे किसी को नहीं आती हो, अगले 5 मिनट के बाद जितने बच्चे क्लास को भी देख रहे हैं गारंटीड आ जाएगी। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब हमें यही नहीं पता मैम ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। अच्छा जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो आपने बचपन से ऐसे देखा होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा आप हमेशा सोचने की सोचते हैं और गलती करते हैं ना, हमेशा नहीं होता वो। अच्छा जैसे कि इसके लिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, ठीक है, जैसे मैंने कहा आई एम प्लेइंग, बेटा ध्यान से देखिए, फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अगला देखिए, आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड, आपकी नजर का ही फर्क है कि दोनों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। जब मैंने कहा आई एम प्लेइंग, आपने कहा ये भी वर्ब है मैम, ये भी वर्ब है, अब इसके अंदर ये कौन सी वर्ब है, इनका डिस्कशन कल होगा, कल हमारा टॉपिक रहेगा सपोर्टिंग मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, उनके बारे में आज नहीं, आज हम इस पार्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। जब मैंने कहा आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड या फिर इन द गार्डन, चलो ठीक है। देखिए जब आपको दो उत्तर मिले ना, मैं दो हिंट देती हूँ आपको, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए दो सवाल करिए, पहला व्हाट और दूसरा हुम, दो सवाल पूछ सकते हो वर्ब से, किससे पूछना है, वर्ब से पूछना है, वर्ब से पूछिए व्हाट और हुम। मैंने कहा आई एम प्लेइंग व्हाट, आपने कहा फुटबॉल, मैं क्या खेल रही हूं, फुटबॉल खेल रही हूं, तो आपको पता है ये जो फुटबॉल है यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट है। आगे देखिएगा, मैंने कहा आई एम प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रही हूं, उत्तर है नहीं, आई एम प्लेइंग होम किसी पर्सन का जिक्र है नहीं, किसका जिक्र है, ये तो वेयर का रिप्लाई है, आई एम प्लेइंग इन द गार्डन इन द ग्राउंड, राइट। और दूसरी बात ये बेटा, ये तो एक प्रपोजिशन है, इन क्या है, इन एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद मेरी बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो इस प्रपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होता है, और इसका अगर मैं नाम बोलूं तो इसे बोला जाता है प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। थोड़ी सी बात समझ में आई कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट सीखने का दो ही तरीके, क्या, या तो व्हाट का रिप्लाई पूछिए या होम का रिप्लाई पूछिए, अगर रिप्लाई मिल जाए तो उसे ऑब्जेक्ट कह दीजिएगा। अच्छा मैं अब आपसे ना एक छोटे से फॉर्मेशन में बताती हूँ, देखो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है बेटा, अभी बताया मैंने, जिनके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ना इन सेंटेंसेस को ऐसे लिखती हूँ, द मैन किल्ड, उधर देखना बंद करिए, इधर देखिए,
द मैन किल्ड, आदमी ने मारा। तो क्या ये जो वर्ब आपको दिखाई आ रही है ये कोई कंप्लीट सेंस दे रही है क्या? आदमी ने मारा, द मैन किल्ड, कुछ लग रहा है, कुछ बोलना चाहिए, कुछ कहना चाहिए, लग रहा है यार अजीब सा ये सेंटेंस हो गया। द मैन किल्ड, छोड़ो इससे भी नहीं समझ में आ रहा। द बॉय ओपन्ड, मन में सवाल नहीं आ रहा क्या? द बॉय ओपन्ड, क्या ये सेंटेंस ठीक है? क्या ये आपको अधूरा नहीं लग रहा कि लड़के ने खोली, क्या खोला? डोर खोला, विंडो खोली, किताब खोली, मतलब क्या खोला? लग रहा है दिमाग में प्रेशर जनरेट हो रहा है, हो रहा होगा भाई, नहीं है वो, कंप्लीट सेंस नहीं है। मैंने कहा रानी मेड, रानी ने बनाया, रानी ने बनाई, बोला क्या बनाई, ऐसा नहीं लग रहा कि ये अधूरा है भाई। जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के अधूरी फील हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अच्छा दूसरी बात, अधूरी तो फील हो रही है, दूसरी चीज और देखिएगा, क्या रिप्लाई मांगने को कहा मैंने? व्हाट का रिप्लाई मांग के देखो या होम का रिप्लाई मांग के देखो। अच्छा बताओ, द मैन किल्ड व्हाट, आदमी ने क्या मारा? सांप मारा, तो स्नेक यहां पर ऑब्जेक्ट है। द बॉय ओपन्ड व्हाट, द विंडो, तो विंडो यहां पर ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा द रानी मेड अ डॉल, रानी ने क्या बनाई? गुड़िया बनाई, तो ये भी वोट का रिप्लाई, ये भी वोट का रिप्लाई, और ये भी वोट का रिप्लाई। मुझे बताइए क्या ऑब्जेक्ट है? स्नेक ऑब्जेक्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट है, डॉल भी ऑब्जेक्ट है। तो समझ में आया ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? दोबारा सुनिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट या तो व्हाट का रिप्लाई होता है या फिर होम का रिप्लाई होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जो अगर ऑब्जेक्ट को मिटा दें तो भैया सेंस ही बिगाड़ देती हैं, पूरा मैटर ही खराब कर देती हैं। राम किल्ड, हम सोच रहे हैं किल्ड, क्या किल्ड यार, मारा क्या मारा, दिमाग में प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसलिए इन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अभी दो मिनट बाद आपको बताना है कि ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव। अब मैंने कहा इंट्रांजिटिव, मन में आ रहा होगा मैम ऐसे तो सारी ट्रांजिटिव होती है। भाई देखो सेंटेंस है आपके सामने, द मैन डाइड, आदमी मर गया, द बॉय स्माइल्ड, ओ स्माइल की उसे, द मून शाइन्स, चंद्रमा चमक रहा है, चमकता है, तो हमने कहा चंद्रमा चमकता है, उसने स्माइल की, वो मर गया, कुछ लग रहा है अधूरा, यहाँ कुछ आना चाहिए। क्या इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो मैं दोबारा बता सकती हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट हो, इंट्रांजिटिव जिनके बाद ऑब्जेक्ट ना हो। इनसे रिलेटेड मेंस तक में क्वेश्चन आते हैं, बताऊंगी, जिसे आप रूल से रट्टे मार के पढ़ते हो ना उसे समझ के समझा जा सकता है भाई। हाँ जी समझ में आई? समझ में आई तो फिर आप मुझे बताओगे, फिर मैं पूछ रही हूं। अभी पांच क्वेश्चन दूंगी, पांच में से पांच नंबर लाने पड़ेंगे क्योंकि आप आज से शुरुआत कर रहे हैं, आज आपकी पहली क्लास है। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और मोटिवेशन किसी और से मत लीजिए कि मैं यहां पर मेरी स्टोरी बताऊं, मेरी गाथा गाऊं, या फिर ऐसे करो वैसे करो, ये कोई मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन लेने के लिए आप अपने आप में झांकिए, अपने आप से पूछिए, अभी आपको मोटिवेशन मिल सकता है अगले एक मिनट में, ठीक है? आप मुझे थम्स अप तो भेज रहे हो। मुझे बताओ इस सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ब है ब्रोक, ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? बेटा एक मिनट में आंसर आना चाहिए, एक सेकंड। ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? जल्दी, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? दिक्कत होती है इस टॉपिक में? कोई दिक्कत नहीं होगी भाई आज के बाद। ट्रांसिटिव पक्का? ये लो, आपने कहा ये ट्रांसिटिव है। कैसे कहा? आरव ब्रोक, आरव ने तोड़ दी। मैंने पूछा व्हाट, क्या तोड़ दी? व्हाट का रिप्लाई मिल गया? स्लेट तोड़ दी। तो क्या का उत्तर मिलने से बन जाती है वो वर्ब ट्रांसिटिव? बिल्कुल सही, जिसने ट्रांसिटिव कहा। नेक्स्ट बताइए, ही मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। सोचिए, दोबारा सोचिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब है इंट्रांजिटिव? बेटा फास्ट, संगीता, पुष्पेंद्र, सुजीत, रतिमा, बहुत बढ़िया, सुमित्रा, भावना, पंचशील, कमलेश, शेख, बुना, नंदिनी, फैंटेसी, महात्मा कौन है ये, अजीत,
गुड सबा खान, अगला क्या है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? वेरी गुड भाई, 100% स्टूडेंट मुझे ट्रांजिटिव कह रहे हैं, मैं भी चेक कर लेती हूँ। मैंने कहा ही मैट, मैट मतलब मिला, मेरे को दो चीजें पूछनी है, या तो वोट या होम। तो मैंने पूछा क्या मिला, तो क्या तो नहीं मिल रहा यार, होम किससे मिला? आपने कहा छोटे से मिला, नहीं कॉटे से मिला, नहीं गर्ल से मिला। और बेटा इस पूरे को कहते हैं, चाहे जिस नाउन आपने कहा मिला है वो लड़की से, इस लड़की के बारे में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि एक लिटिल कॉटेज गर्ल। तो गर्ल क्या है, होम का रिप्लाई है। और अगर रूम होम का रिप्लाई है, ये हमारा नाउन फ्रेज है, इसे कहा हमने ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये होम का रिप्लाई था। वो किससे मिला, लड़की से मिला है, इस लड़की के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, दैट्स ओके, दैट्स अ नाउन फ्रेज। आगे समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी हॉट टुडे, ये बताओ आज। मैं तुम्हें मान जाऊंगी कि तुम अच्छे से सीख रहे हो अगर तुमने ये भी बता दिया ट्रांजिटिव। जल्दी मत करना, सोच के बताना, इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। तो यहां जो ये वर्ब है भाई, ये भी वर्ब है ना, कल सीखेंगे ये वाली कहानी कि जेमआर बी की जो फॉर्म है क्या क्या होती है, कब हेल्पिंग वर्ब होती है, कब मेन वर्ब होती है। क्या कहना चाह रहे हैं, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। भाई क्या करना है, उत्तर पूछना है, वोट कर होम का, वोट का या होम का? होम तो यहां है नहीं, वोट का है मैम। भाई वोट का रिप्लाई नाउन पे नाउन होते हैं, तुम्हें इतना नहीं पता कि गर्म तो एडजेक्टिव है, मुझे पता था। देखो तुम गलती करोगे इसलिए मैंने कहा था तुम्हें, इट्स वेरी हॉट टुडे। भाई ये जो कह रहा है ना, इट्स वेरी हॉट टुडे, मैंने कहा है ये है, बोला क्या है ये कोई आलू है, गाय है, भैंस है, बोला गरम है। गरम तो विशेषता होती है, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं होता। और वर्ड का खेल आप नाउन और प्रोनाउन से खेलते हैं, एडजेक्टिव से नहीं खेलते। मैंने कहा वह सुंदर है, इसे छोड़िए, यहां सुनिए, शी इज इंटेलिजेंट। तो आप अगर ये कहना चाहते हैं कि वह सुंदर है, तो वह क्या है नहीं कह सकते हैं, कैसे ये कह सकते हो? तो आपके मन में जो ये भ्रम चल रहा है, क्योंकि एक इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, इस चीज को भी हम जिक्र करेंगे कि आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, आज की क्लास में जिक्र करेंगे, और ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, जो कि एक एडजेक्टिव बन सकता है। तो गौर करिए, जब भी कोई एडजेक्टिव मिल जाए तो उसे कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब मत कहिएगा, ये तो हमारी लिंकिंग वर्ब है। और अगर हमें कहनी भी है तो हम इसे क्या कहेंगे, इनट्रांजिटिव, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। बात क्लियर हुई, समझ में आया, ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली। तो इस चीज के बारे में स्टार लगाकर छोड़ दीजिए, अभी क्लास के 10 मिनट बाद ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, अच्छा नेक्स्ट बताओ, हिज वाइफ स्पोक लाउडली, बताइए ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव? अरे जल्दी करो जल्दी, नेक्स्ट, हिज वाइफ स्पोक लाउडली। अगर ये टर्म्स नहीं सीखोगे तो इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। फर्स्ट टाइम लाइव देख रहे हो, ये क्लास यूट्यूब पे है, ऑब्वियसली यूट्यूब पे है, एप्लीकेशन पे भी है, ये क्लास आपकी एप्लीकेशन पे भी रहेगी, ओशन गुरुकुल्स। ये इंट्रांसिटिव या ट्रांसिटिव? वेरी गुड यार, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंट्रांसिटिव, और बिल्कुल सही है जिसने भी ये कहा है इंट्रांसिटिव। गौर से देखिए, हिज वाइफ स्पोक, उसकी वाइफ बोली, बोला क्या बोली ये नहीं लिखा, किससे बोली ये भी लिखा, बोला कैसे बोली बहुत तेज। तो ये तो एक एडवर्ब है बेटा, जिसको बिल्कुल ये भी नहीं होता ना एडवर्ब क्या एडजेक्टिव, कोई टेंशन नहीं है, हम धीरे धीरे सीखेंगे। एक दिन में तो बहुत सारा खाना आपको दे दूं, वो तो आप पचा नहीं पाएंगे। लेकिन इतना क्लियर है ना, तो ये वोट का रिप्लाई है, छोड़ो कि हमें एडवर्ब नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं हूं मैं सिखा दूंगी ना, तो ये वोट का रिप्लाई है ना, इसमें किसी पर्सन का नाम है, तो ना ही होम का रिप्लाई है। हिज वाइफ स्पोक लाउडली, तो लाउडली एक एडवर्ब है, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं। और अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं, तो स्पोक हमारी कैसी वर्ब है,
इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगला बताइए, शी लाफ्ड लाउडली, इसमें भी क्या है, लाफ्ड के बाद ना तो व्हाट का रिप्लाई है ना होम का रिप्लाई है, अगर नहीं है तो हमने कहा ये कैसी वर्ब है, जल्दी बोलिए, इंट्रांसिटिव। कैसी वर्ब है बेटा, इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर हुई इतनी बात, नेक्स्ट देखते हैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव क्लियर हुआ, समझ में आया, जिसके बाद ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांसिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वो इंट्रांसिटिव। छोटी सी बात समझिएगा। अब पता है एक और प्रॉब्लम है कि ये ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, टेंशन मत लो, जैसे ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव देखना आ गया इसी तरह ऑब्जेक्ट भी पता कर लोगे, अभी बता दोगे दो मिनट बाद। ऑब्जेक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, पहला हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं हुआ भाई, अच्छा क्या कहा था मैंने कि ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या क्या पूछना है, एक तो पूछना है व्हाट का रिप्लाई और एक पूछना है होम का रिप्लाई। इस व्हाट वाले ने अपना कोई नाम रख लिया और होम वाले ने अपना कोई नाम रख लिया। व्हाट वाले ने अपना नाम रख लिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और होम वाले ने अपना नाम रख लिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्ट क्या होते थे, व्हाट का रिप्लाई और होम का रिप्लाई। व्हाट वाले ने कह रहा कि यार हर कोई मुझे ये कहता रहता है व्हाट वाला ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट उसने कहा मेरा कोई नाम रख दो ना, तो उसका एक नाम रख दिया गया। हर किसी का नाम होता है, आपका नाम है, मेरा नाम है, सबका नाम है, तो उसने कहा यार मेरे को अच्छा लग रहा है ऐसे, मुझे हर कोई ऐसे बुला रहा है व्हाट वाला ऑब्जेक्ट होम वाला ऑब्जेक्ट, तो उसने कहा मेरा ना कोई नाम रख दो और मैंने इसका नाम रख दिया। क्या रख दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो पर्सन जो व्यक्ति सूचक जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपके सामने दो एग्जांपल लिखे हैं, देखो शी गेव मैंने कहा शी गेव व्हाट, आपका रिप्लाई आया एप्पल। मैंने कहा शी गेव होम, मैंने कहा मुझे, तो होम का भी रिप्लाई आ रहा है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। देख लीजिए किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, व्हाट का रिप्लाई भी है होम का रिप्लाई भी है, तो यहां पर ना कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए हमने इसके नाम रख दिए। नेक्स्ट देखो शी आस्क्ड, होम का भी रिप्लाई मिल रहा था और व्हाट का भी रिप्लाई मिल रहा था। शी आस्क्ड व्हाट, उसने क्या पूछा, बोला कीमत पूछी, उसने किससे पूछी, मुझसे पूछी, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। बोला इसके ना नाम रख लेते हैं, क्योंकि हमें जब हम वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे और मैं आपसे ये टर्म्स पूछूंगी या बोलूंगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरी टर्म्स की लिस्ट में पहला आया ट्रांसिटिव वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब, दूसरी टर्म को मैं यूज करूंगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा मैं कोई सेंटेंस दूं तो बता दोगे ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। जल्दी से ये सेंटेंस लिखिए और मुझे बताओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, बताओ इसके अंदर दोनों है भी या नहीं, पहले तो यही चेक कर लेना ऑब्जेक्ट है या नहीं। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या करोगे, वॉटर होम का रिप्लाई पूछोगे, देख लो वॉटर होम का रिप्लाई है या नहीं, चेक करके बताओ मुझे। अरे बहुत से काम नहीं चलेगा, मुझे ये बताओ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। द प्रिंसिपल फॉरगिव हिम, प्रिंसिपल ने माफ कर दिया। मैंने कहा किसे माफ कर दिया, बोला होम को, और होम क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है चलो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो मिल गया, अब मुझे बताओ द प्रिंसिपल फॉरगिव, प्रिंसिपल ने माफ कर दिया, बोले क्या माफ कर दिया, गलतियों को माफ कर दिया, तो ये जो हो गई क्या, और क्या का रिप्लाई व्हाट, और व्हाट को क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान से मुझे फिर नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ, मिस्टर अग्रवाल टॉट होम, मिस्टर अग्रवाल टॉट व्हाट, मिस्टर अग्रवाल टॉट होम, मिस्टर अग्रवाल टॉट व्हाट, व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बताओ सबको पहचान आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फिर मुझे, फटाफट बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट है या नहीं है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, कौन सा है बताइए जल्दी। आई प्रोमिस्ड टू गिव हिम, हिम मतलब होम, होम मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भैया व्हाट, बोला क्या दिया,
क्या देने का प्रॉमिस किया है? बोले टीवी सेट, इसलिए ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। काइंडली गिव मी, मी मतलब होम और होम मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने कहा व्हाट, व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा बेटा। और देखें क्वेश्चन अगला, देखो आई गेव हर, बोला होम, किसे दिया? और बोले क्या दिया? नेकलेस दिया। व्हाट का रिप्लाई? होम का रिप्लाई। भाई अब तो दिमाग में सेट हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट दो रिप्लाई मांगते हैं, एक तो व्हाट और एक होम, और उनके ही नाम रख दिए गए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ, अगर बीच में आप हमसे कनेक्ट हुए हैं स्टूडेंट्स तो मैं बता दूं, 3 मई मींस आज से मेरा एक नया बैच शुरू हुआ है, फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर ऐसा मत सोचिएगा कि वो ग्रामर का फाउंडेशन बैच है, उसके अंदर तीनों ही चीजें इंक्लूड हैं, ग्रामर भी, वोकैबुलरी भी और कॉम्प्रिहेंशन भी। लगभग 4 to 5 months का बैच रहता है, 4 to 5 months का बैच रहता है। वैलिडिटी आपकी 1 year रहेगी, और भाई बहुत है अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके एग्जाम देने में देर है, अभी 2 साल है, 3 साल है, तो वैलिडिटी आपको 2 year की भी मिल जाएगी, मीन्स 2 year की वैलिडिटी के साथ भी बैच अवेलेबल है। तो ध्यान से पहले ही ले लेना, कभी फिर बाद में लगे कि नहीं 1 साल की लेनी थी, 2 की लेनी थी, तो वो फिर बाद में बढ़ती नहीं है। तो इसलिए 1 year 2 year दोनों ही वैलिडिटी आपको अवेलेबल है। तो आज से मेरा एक नया बैच शुरू हुआ है, फाउंडेशन बैच की फर्स्ट क्लास, जिसमें हम सीख रहे हैं वर्ब का बेसिक्स। ठीक है, आगे समझते हैं अब एक तीसरी बात की। मैंने कहा था ना आज हमने क्या क्या सीखना है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में डिफरेंस आप सीख गए होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस आप सीख गए होंगे। अब तीसरी बात पे आती हूं, लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के बीच में डिफरेंस, ये आप सीख जाएंगे। जब वो दो चीजें सीख गए तो इससे भी सीख जाना है ना। देखो भाई, लिंकिंग वर्ब क्या होती है और एक्शन वर्ब क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। जब आप कोई काम करते हैं ना, जिस भी सेंटेंस के अंदर आपने कुछ काम किया है उसे एक्शन कहते हैं। जैसे इसने इसके चांटा बजाया, तो चांटा मारा है, तो दिस इज एन एक्शन। पर मैंने कहा ये डॉक्टर है, भैया ये डॉक्टर है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब ये मत कहना मैम डॉक्टर भी तो कोई काम करता होगा, इतनी ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये डॉक्टर है, मेरे इस सेंटेंस में तो कोई काम नहीं है ना। मैं टीचर हूं, बेशक मैं पढ़ाती हूँ, वो अलग चीज हो गई, पर मैं अपनी स्टेट बता रही हूँ कि मैं एक टीचर हूं, तो इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा ना। हाँ, इसमें काम जरूर हो रहा है कि इसने इसके थप्पड़ मारा है, तो ये एक्शन जरूर हो रहा है, इसमें एक्शन जरूर मुझे फॉलो हो रहा है, पर उसमें कोई एक्शन फॉलो नहीं हो रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब हम समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अब ये एक्शन तो फिर भी हम समझ गए मैम, पहले से हमें पता है, पर लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब, व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? जैसा कि इसका नाम कहता है कि लिंकिंग लिंक करने का काम करती है। क्या काम करती है? लिंक करने का काम करती है। लिंक समथिंग एंड शो स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। इतनी भारी लाइन, कोई भारी नहीं है। जैसे सोचिए 2 सेकंड में आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखे। आप हमेशा सोचते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। भाई सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब आती है और जब ऑब्जेक्ट आती है, ये तो हो गई एक्शन वर्ब। जब ये ऐसी वर्ब आती है, अभी तो सीख क्या है हम जो ऑब्जेक्ट, पर ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो इस वर्ब का नाम ही बदलकर हम क्या रख देते हैं, लिंकिंग वर्ब रख देते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से देखिएगा, आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला आई एम अ टीचर और दूसरा आई मेट अ टीचर। ध्यान दीजिए, अब इसमें ये जो आई है वही टीचर है, तो कॉम्प्लीमेंट का हिंदी मीनिंग है पूरक, जो पूरा करता हो। तो आपको नहीं लगता यहां पर आई ही टीचर है? तो आय को पूरा कर रहा है टीचर, कोई काम नहीं हो रहा, स्टेट है, अवस्था है, तो आय का ही पूरक टीचर। इसलिए एम को यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, टीचर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन दूसरे में ऐसा नहीं है, क्या इसमें आय और टीचर बराबर है? क्या जो आय है वही टीचर है? लिखा है आय मेट अ टीचर, मैं एक टीचर से मिला, तो मैं अलग था, टीचर अलग था, मैं मिला हूं टीचर से, तो आई और टीचर अलग अलग हैं। जब आई और टीचर इक्वल नहीं है तो तब उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट,
पर अगर किसी कारणवश, यहां पर कोई वर्ब है जिसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, उसका सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो तो यहां पर हम इसे लिंकिंग वर्ब से दर्शाएंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। बात समझ में आई थोड़ी सी? मेरी बात को समझ पाए या फिर मैं दोबारा बताऊं? दोबारा भी मैं बता दूंगी, अभी तो आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी सीखना है। भाई 3 मई से जो बात शुरू है, नविता आज तो पहली क्लास है उसकी, आज आपकी पहली क्लास यूट्यूब पे है, कल से क्लास आपकी ओशन गुरुकुल्स एप्लीकेशन पे रहेंगी, ये क्लास भी आपको वहां पर मिल जाएगी। दोबारा बताऊं? चलो एक बार फिर बता देती हूँ, है ना, कुछ बच्चे दो चार हैं जो दोबारा पूछना चाहते हैं। देखो चलो और एग्जाम्पल से समझाती हूँ, है ना, आपके सामने एग्जाम्पल लिखे। काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, ध्यान से सोचिए, क्या एक तो काउ को देखिए, देख लिया, यहां पर एक वर्ब है राइट, फिर क्या है एनिमल, तो सोच के बताइए मुझे क्या यहां पर ये जो काउ है यही एनिमल है, बताओ हाँ या ना, बोलो। यहां पर क्रॉस कर दूं या इक्वल लगाऊं? यू आर अ स्टूडेंट, है ना, यू आर अ स्टूडेंट, तो यू और स्टूडेंट को बराबर लिख के देख लेती हूँ, बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी तरीका है। तो आप कहेंगे यू और स्टूडेंट, बताओ बराबर है या नहीं, तुम ही स्टूडेंट हो या नहीं हो, बताओ। इट इज अ न्यू कार, क्या जो जो इट है, मैंने कहा इट इज अ मार्कर, इट इज अ मार्कर, क्या इट ही मार्कर है, इसी तरह समझिएगा इट इज इक्वल टू कार, क्या इक्वल है, बस हाँ या ना बताओ, फिर आगे की कहानी मैं बता दूंगी। क्या इक्वल है, क्या काउ ही एनिमल है इस सेंटेंस के अंदर, अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, क्या हम काउ को ही एनिमल कह रहे हैं कि किसी और को एनिमल कह रहे हैं, काउ को ही कह रहे हैं। यू आर अ स्टूडेंट, क्या मैं तुम्हें स्टूडेंट कह रही हूँ या स्टूडेंट कोई और है, यू कोई और है, नहीं 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 दोनों एक ही है। मैंने कहा इट इज द न्यू कार, इट इज द मार्कर, क्या इट है जो वही मार्कर है, क्या इट ही कार है, हाँ या ना, यस और नो, बस इतना बताइए कि ऐसा है या नहीं। आपका कहना है यस, आपका रिप्लाई आ गया यस मैम, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अगर बेटा ये इक्वल है तो ये जो वर्ब दिख रही है ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये है लिंकिंग वर्ब, क्या है लिंकिंग वर्ब। और दूसरी बात, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट को लग रहा है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको कहते हैं हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका नाम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसलिए रखा गया क्योंकि ये सब्जेक्ट को पूरा करता है, काउ को ही पूरा किया एनिमल कहकर, यू को ही पूरा किया स्टूडेंट कहकर, इट को ही पूरा किया कार कहके, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से भी पेट नहीं भरा, अभी तो एक और कहानी है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, जो सब्जेक्ट ही हो, सब्जेक्ट का ही दूसरा रूप है उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और अगर ऑब्जेक्ट का ही कोई दूसरा रूप है उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिए, मैंने कहा वी मेड हिम कैप्टन, वी मेड हिम कैप्टन, इस सेंटेंस में ध्यान से देखिएगा, वी मेड हिम कैप्टन, अब इसमें कैप्टन कौन बना है, हिम बना है या वी बना है, ऐसा सोचते हैं हम, बताओ कैप्टन कौन बना है, आप बताओ, है ना, मैं नहीं बताती, कैप्टन कौन है, हिम है या वी है। मैंने, हमने उसको कैप्टन बनाया, तो कैप्टन उसको बनाया है, इसका मतलब जो उसको है वही कैप्टन है, तो हिम और कैप्टन इक्वल है, हिम है जो वही कैप्टन है, पर हिम तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, पता है ना आपको ये ऑब्जेक्ट है, अब तो तुम ऑब्जेक्ट पहचानना सीख गए होंगे कि वी मेड होम, होम का रिप्लाई कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और अगर होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के बारे में ही कैप्टन है, तो हिम और कैप्टन तो इक्वल है, इसलिए हम कहेंगे यहां पर कैप्टन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, दे फाउंड हर अस्लीप, उन्होंने उसको सोया हुआ पाया, है ना, तो सोया हुआ एक अवस्था है, सोई हुई अवस्था, ये सोया हुआ कौन है, क्या ये हर है या फिर दे है, सोचो, क्या हर ही सोई हुई है, सर हर की ही अवस्था है कि वो सोई हुई अवस्था में है, हाँ। और अगर आप कहेंगे कि यस, तो हर क्या है, दे फाउंड होम, होम का रिप्लाई हर, और होम का रिप्लाई तो मैम ऑब्जेक्ट होता है, और ये तो बराबर है, और अगर ये और ये बराबर हैं तो इसका नाम है ऑब्जेक्ट
कॉम्प्लीमेंट। तो आज की क्लास का आपका तीसरा टॉपिक जिसमें आपको सीखना था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस। अगर आपका यहां पर लिखा कोई वर्ड सब्जेक्ट को कहता है तो उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को कहता है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अच्छा, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और क्वेश्चन में आपसे ये पूछूं कि मुझे बताइए यहां पर ये जो कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव। सोचो, हनी टेस्ट स्वीट, मुझे स्वीट के बारे में पता करना है कि ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव। सोच के बताओ, बताओ। मैं थोड़ा सा इंतजार टाइम दूंगी, मुझे देख के बताओ। हनी टेस्ट स्वीट सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? देख लेते हैं, रखे पहले सब्जेक्ट के पास लेके चलो उसको और बोलो क्या हनी स्वीट है, क्या हनी ही मीठा है? आप कहेंगे हाँ, हनी ही मीठा है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि हनी तो सब्जेक्ट है। और ये क्या हुई फिर टेस्ट, टेस्ट हमारी हुई लिंकिंग वर्ब। इसलिए कभी किताबों में रूल देखते होंगे तो टेस्ट, फील, स्मेल, ये हमारी लिंकिंग वर्ब बन सकती है। इसलिए बन सकती है भाई क्योंकि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अगले में बताओ। अच्छा, मैं पूछना चाहती हूं अब ये गिल्टी जो है, ये जो गिल्टी है बताओ ये क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है? दो मिनट ले लीजिए, आराम से बताइए। नेक्स्ट मुझे आराम से बताइए कि गिल्टी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है? अरे समझ में आ रहा है तो कम से कम थम्स अप तो करके बताइए, लाइक तो करके बताइए कि हाँ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, रिपीट कर दूंगी मैं। चलो बहुत बढ़िया, तपेश बहुत बढ़िया, ज्योति, नवीन, सुमित्रा, विपिन, नीतू, नितिन, पूजा, बहुत बढ़िया बेटा। किसी को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं लग रहा है, सबको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, सबको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लग रहा है। मैं भी देख लेती हूँ। द सरपंच फाउंड हिम गिल्टी, तो सरपंच नहीं है गिल्टी, हिम गिल्टी है और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। बिल्कुल सही है जिसने इसको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहना चाहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फिर। We elected him our leader. बताइए मुझे ये जो लीडर है, our leader जो है, यहां पर ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट? नेक्स्ट बताइए पूजा। नेक्स्ट बेटा जया, साक्षी, शीतल, मिस माला जी, तपेश, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया। ये भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है पक्का। We elected him our leader. हमने गौर किया, वी हमने उसको इलेक्ट किया है, उसको हिम को लीडर सेलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, या वी को हमने कहा हिम, उसे लीडर किया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है इसलिए हम कहेंगे लीडर को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये ग्रैंडफादर हैज फॉलन इल, ध्यान से कभी अब इससे जल्दी में गलत कर दो, गलत नहीं करना है, आराम से सोचिए, आराम से सोचना है, दिमाग लगा के। योर ग्रैंडफादर हैज फॉलन इल, ध्यान से बेटा, ध्यान से, मुझे पता है तुम गलती करोगे, आराम से सोच लो। कर दिया ना, आधे तो गलत करने लगे, सोचो, दोबारा सोचो, जिसने आंसर लिख दिया दोबारा सोचिएगा। इतनी जल्दी करोगे तो गलत हो जाएगा ना, इतना आसान नहीं है। Your grandfather has fallen ill. अब मैंने आपसे पूछा, ये तो वर्ब है ना, has fallen तो ill, बीमार। अब पूछिए बीमार कौन है? आपने कहा बीमार तो grandfather है और grandfather ऑब्जेक्ट नहीं है, grandfather तो सब्जेक्ट है इसलिए इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहिए ना कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कहा है क्या तुमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा है क्या? Your grandfather has fallen ill. तो बीमार कौन है? Grandfather. और बीमार grandfather, grandfather तो subject है, तो this is subject complement. Next question बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ, एक तो himself का बताइएगा मुझे, himself क्या है? भाई अगर आपको sentence के अंदर तोड़ना नहीं आता ना, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो बर्बाद हो जाओगे क्योंकि इतना सब याद नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं याद करने के लिए, है ना।
अगला फिर बताइए, मैं इसमें अलोन भी पूछती हूँ आपसे ना, अलोन भी बताओ. मिस्टर मेहता एंजॉय हिमसेल्फ व्हेन ही इज सिटिंग अलोन. मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये हिमसेल्फ और अलोन ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे बाद में आएंगे, बस मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या सब्जेक्टिव. सोचो यार आराम से सोचो कि हिमसेल्फ कौन है, मेहता ही जी हैं और ये अकेला भी कौन बैठा है, ही तो बैठा है यार, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. अगर आपका ये हिमसेल्फ यहां पर कोई और पर्सन होता तो हम देखते यार, इसमें ऑब्वियसली बात है कि हिमसेल्फ किसके बारे में बात है, मेहता जी के बारे में बात है. अकेला भी कौन है भाई, ये ही मतलब मेहता जी है और मेहता जी तो सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. क्लियर सिंपल. तो अब की क्लास तक, अब तक की क्लास में आपने कुछ चीजें सीखी, उन चीजों में आपने ट्रांसलेटिव इंट्रांसलेटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपने लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब का कॉन्सेप्ट सीखा. और मुझे फटाफट बताइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इतनी सिंपल टर्म्स आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? समझ में आई सबको? आज की क्लास को तो मैं यहीं पर फिनिश करती हूं, बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज का टास्क हमारा कंप्लीट हो गया. मैंने कहा था आज हम बहुत बेसिक चीजें सीखेंगे, जिसमें हमने कुछ डिफरेंसेस देखे ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव के, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. क्या इन 8 टर्म्स के बारे में जो मैंने आपको सिखाई कल की क्लास में, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए यार जिनको ये टर्म्स ना आती हो? दोबारा देख लेना. अच्छा पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ कहां मिलेगी पता है? पीडीएफ कहां मिलेगी? नो मैम, सो ब्यूटीफुल क्लास, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई. कल आपकी क्लास रहेगी ओशन गुरुकुल्स एप्लीकेशन पर, कल की क्लास में पीडीएफ मैं बता देती हूँ पीडीएफ आपको कहां मिलेगी. आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है ओशन गुरुकुल्स? नहीं कर रखी तो कर लो फटाफट अभी क्लास के बाद, तुरंत क्लास अभी फिनिश हो गई है तो प्ले स्टोर पे जाएंगे और ओशन गुरुकुल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है. इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल है सुमन इंग्लिश, टेलीग्राम अगर आप चलाते हैं तो आप सुमन इंग्लिश डालिएगा, वहां पर 1 लाख प्लस वाला जो सब्सक्राइबर है वो वाला मेरा ऑफिशियल चैनल है, वहां पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है जी. ओशन गुरुकुल या तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए या फिर सुमन इंग्लिश, मेरा टेलीग्राम चैनल है सुमन इंग्लिश, जो मेरा नाम है यार वही टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी मिल जाएगा. किसी को कोई दिक्कत, आज की क्लास में आपने एंजॉय किया होगा और बहुत सारी बेसिक टर्म्स को सीखा होगा, उम्मीद करती हूँ कि मजा आया होगा पढ़ने में. आपको बात लेना था भाई, बोल दिया मैंने ओशन गुरुकुल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा. किसी को और क्वेश्चन, किसी को और कोई कंफ्यूजन? एक बार क्विक रिवीजन, बिल्कुल क्विक रिवीजन दे सकते हैं. सोचिए आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक वर्ब क्या होती है. वर्ब 3 तरीके से हो सकती है, पहली एक्शन जब हम कोई काम करते हैं, दूसरी आपकी स्टेट, आप स्टूडेंट है, वो टीचर है, वो अच्छा है, वो बुरा है, और तीसरी होना, जैसे बिजली का कड़कना, बारिश का होना, तो ये सब होना है, ठीक है. तो ये होती है वर्ब. अब वर्ब के अंदर तो बहुत सारी खिचड़ी है, कभी मेन वर्ब है, कभी हेल्पिंग वर्ब है, कभी सपोर्टिंग वर्ब है, तो बहुत सारी ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब्स हैं. तो हमने आज के टॉपिक में उठाया था नीचे से उस चार्ट के ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. बेटा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है आज के बाद मत भूलिएगा. ट्रांजिटिव जिनके बाद ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता. अब ये ऑब्जेक्ट किस बला का नाम होता है? एक्शन वर्ब से पूछिए व्हाट और होम का रिप्लाई. अगर व्हाट और होम का रिप्लाई मिल जाए तो ऑब्जेक्ट है, और अगर व्हाट और होम का रिप्लाई ना मिले तो ऑब्जेक्ट नहीं है. बस हम इससे पहचान जाएंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब. अब आगे समझा हमने कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं दो रिप्लाई कहते हैं, एक तो व्हाट और एक होम. तो व्हाट के रिप्लाई को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम के रिप्लाई को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कहानी यहीं पर भी खत्म नहीं होती, आगे हमारी कहानी आई
कि एक सेंटेंस के अंदर हमेशा ही तो एक्शन वर्ब नहीं होती, कभी कभी लिंकिंग वर्ब भी होती है। अगर वर्ब के बाद आने वाला शब्द सब्जेक्ट को पूरा करता है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अगर लास्ट में जो वर्ड आया है वो किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करता है तो उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। क्या होता है? उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो हमने सीखा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की कहानी। तो ये भी हम सीखे, ऑब्जेक्ट सीख गए, ट्रांसिटिव सीख गए, लिंकिंग वर्ब सीख गए, एक्शन वर्ब सीख गए। कल से हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारी बी, डू एंड हैव। आपको पता है बी, डू और हैव की कहानी जब आप कल सुनेंगे तो आप पूरा टेंस समझ जाएंगे। टेंस? हाँ जी, टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस को अलग से कुछ चैप्टर नहीं, वर्ब की फॉर्म्स को ही टेंस कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। यकीन मानिए इन पांचों फॉर्म से मैं सारे टेंस बना सकती हूं। अगर आपको वर्ब चैप्टर आ जाता है तो आपको टेंस चैप्टर भी आ जाता है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म से ही तो टेंस बनता है। टेंस कुछ नहीं, सिर्फ वर्ब की फॉर्म है और ये सच है। तो हम कल से जो ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे डू, बी, हैव और पहचान करेंगे टेंस की, और पूरा टेंस भी सीख जाएंगे और वर्ब भी सीख जाएंगे। बेसिक्स पढ़ना, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करें तो अपने बेसिक्स को बहुत मजबूत करिए। अगर बेसिक्स मजबूत होंगे तो भाई जितना भी जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं पूरे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि रूल्स के बेसिस पर तो एग्जाम पास नहीं किया जा सकता। अब तो नहीं किया जा सकता भाई, लेवल लिफ्ट हो चुके हैं, अब वो लेवल नहीं बचा कि हाँ वो रटे रटाए कुछ मेन मेन से रूल्स पढ़ के चले जाओ वही आएगा क्वेश्चन में, वो नहीं आ रहा है यार। आपको बहुत डीप नॉलेज और अच्छी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, तो सिर्फ किताबों से भी काम नहीं चलना। हमेशा कहती हूँ फाउंडेशन, अपने बेसिक्स को मजबूत करिए। अपने आप जब बिल्डिंग बनानी है तो नींव को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब हम आपसे यूट्यूब पे मिलेंगे परसों फ्राइडे। अच्छा भाई, यूट्यूब पे मेरी क्लास 3 दिन होती है, थोड़ा हमने चेंज कर दिया है थोड़ा पैटर्न। पहले हमारी जो क्लास होती थी मंडे वेडनेसडे सैटरडे होती थी, अब हमारी क्लास मंडे वेडनेसडे एंड सैटरडे होती है, फ्राइडे होती है, ठीक है। और फ्राइडे से हमारा वोकैबुलरी भी, अगर किसी को बेसिक से शुरू करना है, ओनली वोकैबुलरी अगर बेसिक से शुरू करना है तो उसके बैचेस भी अवेलेबल हैं, और उस बैच को भी हम फ्राइडे से शुरू करेंगे, ठीक है जी। वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी का क्लास रहेगा फ्राइडे को। आज आपका ग्रामर का क्लास था, इससे पहले मंडे को भी हमने एक वोकैबुलरी का क्लास लिया था, ठीक है। इसके बाद हम आपसे यूट्यूब पे तो मिलेंगे फ्राइडे को, और जिसने भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है ओशन गुरुकुल उनकी क्लास कल रहेगी, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। कल क्लास इससे आगे का हम फाउंडेशन बैच में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बैच आपका 5 मंथ्स के अराउंड चलेगा भाई, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ध्यान से जब भी कुछ पढ़ा करें तमीज से पढ़ा करें, रट्टा मार के कुछ नहीं भला होगा यार, ठीक है। बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।